गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट टाइम जो है न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन आप लोग देख चुके हैं। एंटी पैरेलल जो की पोलैरिटी है आपने उसे भी देखा है। जरा सा करेक्शन कराना था, वैसे मैं सेंड कर चुकी हूँ बट मुझे लगा कि एक बार फिर से बता देती हूँ। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अलग अलग बॉन्ड है, मतलब ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है ना, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट ही होता है। कितनी बार बॉन्ड करेगा ना, 1, 2, 3, 4 हो गया ना, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये गलत था। इसको आप अपने कॉपी में से हटा देंगे, ठीक है, सिंपल ऐसे रखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। चलो अब आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा, हिस्ट्री देखने से पहले हम जरा सा न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं कि जो आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है जो, अब आपने पूरा देखा इसकी बैकबोन किस चीज की बनी थी, यानी कि देखो ध्यान से, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको यहां देखो, ये आपकी चेन है, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस अंदर, इसे बैकबोन कह सकते हैं ना हम, है ना, क्योंकि ये अगर इस तरह से आपका बनेगा क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए, तो ये जो ये बाहर ये वाला, जिसे बैकबोन कहेंगे ना, ये बैकबोन है। और ये देख पा रहे हो आप कि किस चीज का बना हुआ है, इसे बैकबोन कह रहे हैं हम, जो हम डार्क कर रहे हैं इसे बैकबोन कहा जा रहा है। तो किसका बना है, क्योंकि अंदर साइड तो बेसिस हो गए, अंदर तो बेसिस है, तो बैकबोन किसका है, आपका शुगर और फॉस्फेट का। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि इस बार 1 मार्क है तो चांसेस हैं कुछ भी पूछ सकता है। और चैप्टर, इस चैप्टर में अच्छा एक चीज और बता दें, हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे इस चैप्टर के लिए, आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है इस वाले चैप्टर का नोट बनने का, कोई मतलब नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे जो बनाना बना लो, लेकिन जो मैं आपको देती थी ना एक्स्ट्रा नोट्स देती थी रिटर्न फॉर्म में, वो मैं इस बार नहीं प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबके बुक में जितना लिखा है वो सभी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो किसी चीज को हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटर है कि जिस तरह से मैं लिख रही हूँ आप इसी तरह से लिख लीजिए, इसी को बना लीजिए नोट्स को, और जो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी इस बार, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, इस चेन का बैकबोन क्या है, बैकबोन बनी है शुगर प्लस फॉस्फेट की। क्लियर होगी बात, ये है इसकी बैकबोन, ठीक। अच्छा, एक जगह और है कि आपके बुक में थाइमीन का केमिकल नेम मेंशन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम मेंशन हुआ है, नाम क्या है, 5-methyl, आप इसे एज इट इज याद कर लो, 5-methyl यूरेसिल, ठीक है, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। आगे चले, आगे आप ये समझेंगे, अब हम हिस्ट्री वाले पार्ट में आ रहे हैं, कि जो आपका डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और क्या चीज है जो, जैसे आप ये समझिए कि डीएनए जो नेगेटिव नेचर है उसका या कुछ भी। अच्छा, पहले तो याद कर लो कि डीएनए का जो चार्ज है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एन आएगा नेगेटिव, अब ए से एसिडिक मत कर देना क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैसे चार्जेस लेते हैं, ये नेगेटिव है। अच्छा, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, किसने करी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तब भी पता लगाया किसने, जो थोड़ा बहुत भी समझ आया कि अच्छा ठीक है डीएनए का नेगेटिव नेचर है, ये बताया आपको फेडरिच मिश्र ने, ठीक है, ईआई मिश्र, इसका डेट याद रखना, 1869 रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना पता चल गया। अब ये आगे क्यों नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उस समय जैसे बताया था ना हमने स्टार्टिंग में कि बहुत सारी चीजें मेंडल क्यों नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि माइक्रोस्कोपी जैसी चीजें नहीं आई थी, है ना, बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते थे। फिर क्या हुआ कि विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे डाइफ्रैक्शन किया,
और उस डेटा के हिसाब से, है ना, उस डेटा के हिसाब से ये बताया जा सका कि आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, यानी दो रोप्स ही हैं, आपस में कैसे हैं, बाइंड है, कॉइल्ड है। अच्छा, कौन बता रहा है ये, ध्यान दो, वैटसन प्लस क्रिक ने बताया, और इससे पहले क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दे चुके हैं, ठीक है। डेटा किसका था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का, बता कौन रहा है डबल हेलिक्स के बारे में, ये बता रहे हैं वैटसन एंड क्रिक। अच्छा, इन्होंने कब बताया ये चीज, 1953 में, नंबर थोड़े से याद रखना, ठीक है, आगे चले। अच्छा, मैंने बोला कि उसके लिए बताया मैंने आपको कि फीचर्स, अच्छा यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया डबल हेलिक्स है, और बाकी फीचर पढ़ते पढ़ते ये पता चला कि राइट हैंडेड फैशन में, यानी राइट हैंड साइड को वो ट्विस्टेड है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में। अच्छा, इन्होंने जो डबल हेलिक्स दिया वो ऐसा कुछ है ना, डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, और वो राइट हैंडेड फैशन में क्या है, ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पता चल गया। बाकी देखो, अब हम लोग देखेंगे जरा सा स्ट्रक्चर, यही जो आपको, पहले इसको ना मैं पुरानी जैसा बना देती हूँ, देखो असली में इस तरह बनता है, और जो मैं अभी बना रही हूँ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बना, ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है, ये पैरेलल होता है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो समझ रहे हो, जैसे मैंने ये वाला बनाया, ये वाला एकदम करेक्ट है, लेकिन अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। इसका जो एक ट्विस्ट है यहां से लेकर यहां तक, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसके एक साइड को ओपन करूं, यहां तक ओपन करूं, पहली बात इसको कहते हैं वन टर्न। अच्छा, तुम बोलोगे वन टर्न क्यों हुआ, तो यहीं तक हो सकता है। देखो, अगर मुझे सर्कल बनाना है तभी तो, देखो यहां से चलूंगी और यहां तक आऊंगी पूरा, तो वन टर्न होगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये यहां से ऐसे गया, अगर तुम इसको यहां तक काउंट करोगे, वन टर्न इसको लोगे, तो ये कितना जा रहा है, देखो ऐसे गया, ये तो हाफ गया, ये जो मुझे हाफ और चाहिए वो कैसे मिलेगा, वो मुझे ऐसे जाने पर मिलेगा, है ना, आधा इधर आधा इधर। अभी इसी सर्कल को मैं खोल दूं तो ये ऐसा है, ऐसा है ना, क्लियर होगी बात, चलो, जिसे कहते हैं वन टर्न। अच्छा, इस वन टर्न में क्या होता है, आपको 20 बेस पेयर मिलते हैं, ठीक है, 20 बेस पेयर, और नाइट्रोजनस बेसिस कितने, ध्यान से देखो, 10 नाइट्रोजनस बेसिस 20 बेस पेयर्स, पेयर्स में कितने हैं और कितने हैं, 10 है, पेयर्स में कितने हैं, ये आपके इतने, देखो देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजनस पेयर, ठीक है, सॉरी बेसिस। अब सबके पास यहाँ पे एक इस साइड से लगा था, एक एक साइड से लगा था, एक इस साइड से लगा था, एक इस साइड से, तो पेयर्स में कितने हो गए, बेसिस है 10, लेकिन पेयर्स में कितने हैं, 20, बस समझ में आ गई, और इसे कहते हैं वन टर्न, ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसकी लेंथ मेंशन के करी है, इसको 3.4 नैनोमीटर आप इसे कह सकते हो। अच्छा, इसका एक और वैल्यू रहता है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, देखो बुक में मेंशन होगा कि नहीं होगा, इसे 34 ना एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वैल्यू में देता है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम इसको क्या माने, अब हमको पता चल गया यहां से लेकर यहां तक का ये आपका कितना होता है, ये आपका वन टर्न होता है, वन टर्न कितना हुआ, यानी कि एक सर्कल बनाया तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और देखो, ध्यान से देखो, यानी एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, ये होती है 10, ठीक है, 10। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूरे की लेंथ पता करनी होगी ना, वैसे अच्छा खैर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या मैंने बता दिया, हाँ इसके बीच की गैपिंग बता दी, एक इसका बता दिया, बस इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी है, आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि, अच्छा आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि आपको डिप्लॉइड कंटेंट ह्यूमन उसका
न्यूक्लियस में कितना ज्यादा इसका रहेगा, डीएनए का कंटेंट रहता है, उसको आपको मल्टीप्लाई करके निकालना था, ये मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। और ये अगर जिस बच्चे ने किया है तो ठीक है। अच्छा देखो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चा दो मिनट के लिए ना इसे छोड़ दो, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है इसे रहने देते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन बनती है, दो मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हो रहा है। चलो यहाँ पे जो भी मैं छोड़ रही हूँ ना, ये जितना बताया इतना आपके लिए ना, जो यहाँ पे मेरा गैप हुआ है मैं इसको मैं नेक्स्ट टाइम पे कवर करूंगी, ठीक है। गलत कुछ बता दूं उससे बेटर है कि तुम्हें करेक्ट बताऊं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, आगे ये वन टर्म याद रखना है। आगे देखो, आगे आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस, अभी हम रूल बताने वाले हैं, रुक जाओ। देखो अब इनके जो बेस पेयर लगे हुए हैं ना, अब इनके प्रोपोर्शन पे बात कर लेते हैं, कौन कितना लगा है, ठीक है। इनके हम किस पे बात करेंगे, प्रोपोर्शन पे बात करेंगे कि कौन कितना है, ठीक है। तो पहले हम, अब हम चार गैप रूल देख रहे हैं, चार गैप रूल जो इसके प्रोपोजिशन पे बात करता है कि क्या चीज कितनी है। तो चार गैप रूल कहता क्या है कि जितना प्यूरिन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पाइरिमिडीन होगा, ठीक है। क्या बोला इसने, जितना प्यूरिन होगा उतना पाइरिमिडीन होगा। अच्छा, चार गैप रूल लगता किस पर है, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लगता है। अच्छा, आप कैसे ये बात बोल रहे हो, देखो पेयर तो तभी बनेगा ना, आप पेयर तो तभी बनेगा अगर ये ऐसे रहेगा सिंगल, जैसे ये मैं बता दूं, क्योंकि सिंगल में क्या पेयरिंग है, नहीं है ना, इसमें कहां बेस पेयर लगा हुआ है, पेयर में नहीं है ना। जब पेयर में ही नहीं है तो आप उसके प्रोपोजिशंस कैसे बता पाएंगे कि कौन कितने, सॉरी हाँ कितने प्रोपोर्शन पे, आप कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको चाहिए कि आपको ये बात पता हो कि ये चीज डबल स्टैंडर्ड आपके डीएनए पर ये अप्लाई होता है, चार गैप रूल, ठीक है। पहला उन्होंने कहा कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन इक्वल होंगे, तो जैसे मान लो यहां मैंने टी लगाया, तो इधर ए लगाएंगे ना, ए लगाएंगे। अब हमारा प्यूरिन क्या था, हमारा प्यूरिन था ए और जी, और पाइरिमिडीन क्या है, साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिन, लेकिन हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसी को रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो इन्होंने बोला कि पाइरिमिडीन और प्यूरिन इक्वल होंगे, अगर एक पाइरिमिडीन लगा है तो दूसरा प्यूरिन होगा, फिर एक जगह प्यूरिन लगेगा। अब सपोज यहां जी लगा दें तो यहां हमें सी लगाना पड़ेगा, है ना, इसी तरह की पेयरिंग ऐसे करके चलती जाती है। तो अगर कह रहे हैं कि जितना आपके पास इस पूरे डीएनए में जितना आप लेंगे प्यूरिन होगा उतना ही पाइरिमिडीन होगा, क्यों, क्योंकि पेयरिंग ही उसके साथ करता है वो, बात समझ में आ रही है। तो अच्छा ठीक है, इनकी ये बात हमें समझ में आ गई। फिर ये कहते हैं कि ए और टी, ठीक है, ये कहते हैं ए और टी को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, यानी ए कौन है, ए है आपके पास प्यूरिन और दूसरा क्या है पाइरिमिडीन, ठीक है, इनको अगर प्लस कर दें, और जी प्लस सी, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हो कि देखो अब इसके दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम, ठीक है, ए प्लस जी, अब देखो इसी को लिखा है ए प्लस जी और दूसरा टी प्लस आपका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू वन, ठीक है। इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग देखेंगे पैकेजिंग। वो कहना चाह रहे थे कि जितना आपका प्यूरिन था उतना पाइरिमिडीन होगा, और जितना, और ये कॉम्बिनेशन आप अगर इसमें से हम एक दे देंगे ना तो आप दूसरा आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम करेंगे तब आप इसको और अच्छे समझ पाओगे। आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग पैकेजिंग देखते हैं। इस पे थोड़ा सा और करा दे क्या कुछ,
कुछ लिखवा देते हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा कम ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखो इसमें क्या है, एक ही वाला समझ में आया, ये क्लियर है। इसमें देखो आपके पास कहते हैं कि जितना आपके पास यानी जितना अमाउंट आपका किसका रहेगा, थायमीन का होता है, थायमीन का जितना होता है उतना ही अमाउंट किसका रहता है, आपके पास एडेनिन का रहेगा। और जितना अमाउंट आपके पास आपका गुआनिन का होगा उतना ही आपका क्या रहेगा, साइटोसिन का रहेगा। ठीक है, बात समझ गए। अगर अब मैं इसमें से क्या करूं, अगर मैं इसमें से आपको थायमीन का या एडेनिन का किसी का एक परसेंटेज दे दूं, जैसे देखो ध्यान से, अगर मैंने कह दिया कि एडेनिन आपका 30% है, एडेनिन आपका 30% है, तो आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लेंगे बाकी, बताएं जितना आपका एडेनिन है उतना आपका हो जाएगा थायमीन। ठीक है, तो 30 + 30 कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 हो गया। 100% में से निकाल रहे हैं ना। अब जितना बचता है, जितना बचता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये नहीं होता कि थायमिन और गुआनिन, यहां देखो थायमिन और गुआनिन, इनका एक जैसा नहीं रहेगा, जितना ये है उतना ये रहे, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया, जितना थायमिन है उतना आपका एडेनिन होगा। ठीक है, जितना आपका थायमिन है उतना एडेनिन होगा, लेकिन निकालेंगे कितने में से, 100% में से। अगर यहाँ पे 60 हो गया है तो बचा कितने, बचा आपके पास 40 बचा हुआ है। अब अगर कोई आपसे साइटोसिन पूछ ले, साइटोसिन, तो आपको पता है कि जितना आपका गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। ठीक है, तो अब बचा ही 40 है, तो दोनों को हाफ ऑफ कर दो, तो 20 आपका गुआनिन हो गया और 20 ही आपका क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। क्लियर हो गया, बात निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम में हमेशा यही इस वाले से सब निकल जाएगा, इस वाले को ध्यान रखो। ठीक है, इस वाले को ध्यान रखो, इसी को। ठीक है, इससे आप न्यूमेरिकल कर लोगे। ठीक है, 100% में समझना। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे हम लोग पैकेजिंग देखते हैं। पैकेजिंग जब हम देख रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें पैकेजिंग जो करनी है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसे हमें रखना कहाँ है, इसे हमें रखना है, ये रहा आपका सेल और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस की साइज आपके ऊपर मेंशन है 10^-6 meter। ठीक है, इतना है, अभी छोटा साइज हो गया ना, अब इतने पे आपका इतना बड़ा डीएनए कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है, देखो अब मैं इसे बता दे रही हूँ, आप लोग बुक में एक बार टैली कर लेना। ठीक है, मुझे जहां तक याद आ रहा है बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर का रहता है। ठीक है, और इसी को जब आप, ये आपको एक डिफरेंस मिल गया बेस पेयर के बीच का, आपके न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं उसके बीच का मिल गया, अगर इसको और आपका डिप्लॉइड वाला जो मैंने आपको बताया था डिप्लॉइड कंटेंट पता होना चाहिए, तो वो 6.6 होता है, 6.6 × 10^-9 होता है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना करीबन 2 × 2 ये ऐसे करके, यानी कि 2 मीटर का आपका डीएनए का साइज आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया और कितने बेस पेयर्स लगे हुए हैं ये पता चल गया, है ना। बेस पेयर के ये आपके न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये जो बेसिस हैं, ये बेसिस के बीच का आपको गैप पता चल गया ये। ठीक है, और कितने बेसिस हैं ये है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा लेंथ पता चल जाएगा, जो कि 2.2 यानी करीबन 2 मीटर का जो आपका डीएनए है उसको आपको 10^-6 meter पे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो करने का तरीका होना चाहिए, करने का तरीका यही जो मैंने आपको कहा था, मैंने फर्स्ट वाले ही लेक्चर में समझाया था किस तरह से आप उसे रैप करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां पे वो एकदम रैंडम स्टोरी थी, अब हम लोग एग्जैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट में आपको क्या देखना है कि आपका डीएनए क्या है, आपका डीएनए नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज रखता है। अच्छा ठीक है, तो नेगेटिव को हमें क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ गलत हो गया है क्या भाई, एकदम से नेगेटिव तो है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे हिस्टोन प्रोटीन के, आपको हिस्टोन प्रोटीन लगेगा इसको रैप करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो हिस्टोन प्रोटीन, आज ना लग रहा है सब गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है हम कुछ बेसिक चीजें भूल जा रहे हैं, तुम लोग को जैसे कोई स्टैटिक वैल्यू बताना। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, ये रहा आपका डीएनए। ठीक है, अब डीएनए को आपको फोल्ड करना है, रखना है ना, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन, आप इसमें क्या करिए, इसे लपेटिए। अच्छा देखो कितनी बार लपेट सकते हैं, पहले ये पता होना चाहिए,
बुक में भी मेंशन है, दो बार है ना, करके दिखाया है, इसलिए बोल के नहीं दिखाया। कितनी बार आप इसे लपेटेंगे? दो बार। फिर आप इसे ऐसे आगे जाएंगे, फिर आपको एक और हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, ध्यान दो, एक हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा और आप इसे क्या करेंगे, आप इस पे ऐसे करके क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कैसी नेचर की होती है? ये बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। अच्छा, बेसिक क्यों हुई? क्योंकि इसके पास लाइसीन है और अर्जेनाइन है, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये कैसी हो जाती है? ये आपकी हो जाती है बेसिक नेचर की हो जाती है। ये दो तरीके के आपको इसमें एमिनो एसिड्स मिल जाती हैं। क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर है? अच्छा, अब आगे देखो। आगे आपकी बुक में वैसे कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बना इसका, ध्यान से देखो, इसका कुछ खास स्ट्रक्चर आपकी बुक में नहीं मेंशन है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो आपको बताया जा रहा है कि हिस्टोन लगा हुआ है, हिस्टोन, ठीक है बेटा, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो हिस्टोन प्रोटीन आपको सर्कल दिखा रहा है, इसमें एट पीसेस लगे हुए हैं, एट पीसेस लगे हैं हिस्टोन के, इसलिए हम इसको कहते क्या है, इसे कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर कह दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, ये जो आपका इतना सा डीएनए बच जा रहा है बार बार, जब दूसरे आप हिस्टोन प्रोटीन लगा रहे हो तो बच जा रहा है, तो यहां पर आपका इसमें एक प्रोटीन का नाम बता दिया, हिस्टोन के एक प्रोटीन का नाम बताया जिसका नाम क्या है, H1, ठीक है। H1 हिस्टोन आपको लगा के दिया जाएगा, यानी H1 हिस्टोन इसको पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, ये जो बच जा रहा है बीच में जो डीएनए आपके दो हिस्टोन के बीच में बच जा रहा है उसको कौन पकड़ रहा है, H1 आपका हिस्टोन पकड़ रहा है। ये भी हिस्टोन ही है, H1 हिस्टोन हिस्टोन ही है, लेकिन हिस्टोन का एक टाइप है, जो सिर्फ एक ही टाइप आपको मेंशन किया गया, आपको जिसके आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना काफी है, पहले इतना ध्यान में रखो। आपने क्या किया, हिस्टोन रखा और आपने उसको आपका जो डीएनए है उसको आपने लपेटना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया है आपके पास, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है, जिस कलर चेंज करें, यानी कि क्या आपका डीएनए प्लस हिस्टोन, ये जो आपने हिस्टोन ऑक्टामर, ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इसको आप कंपाइल फॉर्म में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ये एग्जाम में आता है, ये डायग्राम बनाने को आता है या फिर बना बनाया जाएगा, तुम्हें लेबल करना होगा, इसलिए आप समझ लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है डायग्राम की, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, ये आपको समझ में आ गया, आपने डीएनए लिया, प्रोटीन लगाया बीच में और उसको लपेट दिया, अब साइज आप छोटा कर रहे हो, फिर यहाँ पे H1 प्रोटीन लगेगा यानी हिस्टोन लगेगा, फिर आप एक और यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर लेंगे, इस तरह करते 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 आप बहुत लंबी चेन बना लेंगे। अच्छा, ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, है ना, ऐसे दिखाई देगी ना, इवन और पास पास आपको इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कोई एक तार है उसमें बीड्स पड़ी हुई हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ऐसा लगता है एक तार है, उस पे क्या पड़ी हुई है, आपको बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई, ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या बीड ऑन स्ट्रिंग्स कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि बीडेड स्ट्रक्चर तो है, ये जो मैंने आपको इससे पहले इसी को लिंकर डीएनए भी बताया था, क्या बताया था, लिंकर डीएनए बताया था ना, ठीक है। यहां आपको पता चल गया, न्यूक्लियोसोम पता चल गया। अच्छा, अब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने आपके पास कितने बेस पेयर कलेक्ट हो गए, 200 बेस पेयर, बात समझ गए, ठीक है। ध्यान से देखो, वन टर्न में कितने थे, 20 बेस पेयर थे। अब आपने एक जब प्रोटीन लगा के टर्न किया तो कितने आ गए, उस एक में एक न्यूक्लियोसोम जो आपने बनाया है, जिसमें आपने दो टर्न मारे हैं डीएनए के, और उसमें कितने कवर हो गए, 200 बेस पेयर आपके कवर हो चुके हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इस ये जब आपका क्रोमोसोम में आएगा, जब ये आपका डीएनए पूरा रैप होकर के क्रोमोसोम में आएगा, तब क्या होता है कि ये सपोज आपका क्रोमोसोम है, ओहो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है इसमें आपने पहले से ही क्या लगा रखा है, न्यूक्लियोसोम्स अटैच्ड हैं, वो तो पता ही आपको,
न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इतने से नहीं रुकेगा, इसको कुछ और प्रोटीन भी चाहिए होंगे, ठीक है, आपके कुछ और प्रोटीन चाहिए होंगे जो इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है, वो आपके क्या हो जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, या इसको आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोम बनाने के लिए जब क्रोमोसोम के फॉर्म में आ रहा है तब आपकी उसकी हेल्प हो रही है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे कहते हो, इसे शॉर्ट में NHC करके आता है, ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, पढ़ना अच्छे से, सिर्फ क्या है कंसेप्ट समझो, क्या है ये एक हेल्पिंग प्रोटीन है ना, जो हिस्टोन नहीं है, जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन आपके क्रोमोसोम जब ये फॉर्म होगा, जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये DNA लेने लगेगा, तो उसमें आपको इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी जो इन्हें बाइंड करके रखेंगे, क्लियर हो गई बात, क्लियर है बच्चा, आगे चलें, अब ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर था आपका, ये जो बीडेड स्ट्रक्चर था, ये कहीं जब ये और रोटेट होगा ना, ये और रोटेट हो जाएगा, देखो ध्यान से ऐसे हो जाएगा, लेयर्स ऐसे फोल्डेड और आ जाएंगे, मतलब जब बहुत बड़ी चेन है ना, जब ये ट्विस्ट होके रखी जाएंगी तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड, मतलब सॉरी ये क्लोजली आपके फॉर्म हो जाएंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि क्या है ये जब आप पूरे को लपेटोगे तो ये एकदम ऐसे ऐसे करके पास आने लगेंगे ना, ऐसे करके पास आने लगेंगे, ठीक है, अब आप समझ गए, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि डेंस है, और एक और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एक हमेशा रहेगा लाइट में, एक रहेगा कैसा, एकदम लाइट, यानी कि जैसे ये है ऐसा थोड़ी दूर, और इसके बाद कैसा रहेगा, ये ऐसे 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 इस फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा और, अगर ये एक लाइन और बनाता है तो भी इसमें डिफरेंस रहेगा, दूर रहेगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जो आपका ये रीजन जिसको मैंने हल्का बनाया है, जिसमें आपको इस तरह का बहुत ज्यादा कोचापाची नहीं दिख पाया, ठीक है, इसे कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं यूक्रोमैटिन, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, यूक्रोमैटिन, यू मतलब होता है ट्रू, अभी आपको समझ में आएगा इसे ट्रू क्यों कह रहे हैं, और ये डेंस है इसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, अब जो आपका यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव यानी इससे ना ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, ठीक है, इस रीजन से ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसके बाद बचता है आपका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कि क्या बात है कि अभी तो आपको पता है कि DNA आपका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ समय पहले ये बातें बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी कि क्या चीज़ें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, ये तो इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं, एक थ्योरी देख लेंगे उसके बाद बाकी हम कल करेंगे, आज मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, पता है, तो आज हम जो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले ये देखेंगे कितनी थ्योरीज दी गई कि क्या क्या मेहनत करी गई है, तो जो पहला हम देखने वाले हैं, जो पहला एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये ऐसे ही आता है एग्जाम में, ऐसे ही लिख के आएगा, या इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, ठीक है, उसकी उन्होंने उसको कल्चर किया, कल्चर करना मतलब क्या होता है, ग्रो कराना, और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है आपको पता होगा, अगर कुछ भी नहीं पता आपको कोकस पता होगा, आपको पता होगा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये भी क्या है, ये बैक्टीरिया ही है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, बैक्टीरिया है, इसको कल्चर किया इन्होंने, तो कल्चर किया तो इन्होंने देखा कि
कुछ ऐसे थे, इन्होंने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स देखे, एक था स्मूथ। अच्छा, स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, वो भी टाइप्स ही होता है, ठीक है ना। अब वहां पे आप टाइप नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा माइक्रोब्स लेवल की बात होती है, तो हम लोग वहां टर्म यूज करते हैं स्ट्रेन। तो आपका क्या था, एक आपका स्मूथ था, स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले थे, और दूसरे रफ थे, ठीक है। स्मूथ में क्या था, उन बैक्टीरिया के चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड की एक लेयर थी, ठीक है, जो उन्हें क्या बनाती थी, स्मूथ बनाती थी। अच्छा, रफ वाले में क्या था कि उसमें, यहां तक हमको ठीक से याद आ रहा है कि क्या था, रिबोसोम आई थिंक अटैच था, ठीक है, जरा सा देख लेना बेटा क्या अटैच था, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, ठीक है। चलो, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, देखो याद लग रहा है ना, ढंग से कुछ तुम लोग पढ़ा नहीं पा रही। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर रिबोसोम नहीं होगा तो यही आप ये समझ लो कि पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं है, यानी कि कुछ भी स्मूथ शाइनी लेयर इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, इसको जरा देख लेना, ठीक है, मैं से पढ़ो कि अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप देखो क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आप कंसेप्ट देखो कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने क्या किया कि एक स्मूथ वाला बैक्टीरियल है, उसे एस स्ट्रेन कहेंगे, एस वाला, ठीक, एस वाला लिया, उसको किस में डाल दिया, उसको इन्होंने माइस में डाल दिया, ठीक है। स्मूथ वाले के डालते ही देखो, स्मूथ वाला ना इन्फेक्शन कॉज करता था, ये मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ठीक है ना, और जो आपका रफ है ना उससे कुछ नहीं होता। देखो ये वाला क्या है, ये डेंजरस है, ठीक है, इसे कह सकते हैं वायरुलेंट, एक वर्ड यूज करते हैं, इससे स्मूथ वाला जो है वो वायरुलेंट है, वो डेथ कॉज करेगा, लेकिन रफ वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपने स्मूथ लिया, माइस में डाला, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, माइस की डेथ हो जाएगी, एज यूजुअल हो गई, माइस की डेथ हो गई। फिर क्या किया इन्होंने, रफ लिया, माइस में डाला, क्या होना चाहिए, नहीं मरना चाहिए, तो माइस नहीं मरा, माइस लाइव है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा चलो दिमाग लगाते हैं, इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले को किल कर दिया, सोचा चलो तुम्हें भूंज दिया है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इन्होंने माइस में डाला, ठीक है, और माइस में डाला तो क्या हुआ, अब वो तो खत्म, वैसे भी जला बुझा तो क्या कर पाएगा, तो उसकी वजह से माइस में कुछ नहीं हुआ, और माइस क्या हो गई, जिंदा है, वो मजे कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने सोचा और खुराफात करते हैं, तो इनका खुराफात क्या हुआ कि इन्होंने जो एस, अच्छा यहाँ पे किल्ड जरूर लिखना, हीट किल्ड, हीट लगा लगा के उसे मार डाला। तो क्योंकि बेटा जब ऐसा हो जाता है ना,